स्वागत है आपका इस बेहतरीन वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक फोटो एडिटर या के मदद से, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम ऐप के यूज करके आप बेहतरीन फोटो क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए और प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं इंडिपेंडेंस डे की थीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिपेंडेंस डे की आपको अलग अलग बधाइयाँ और लड्डू पेड़े मिठाइयाँ। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, एडिटिंग को, और सीखते हैं कैसे करना है। आइए दोस्तों, यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम, अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में तो आपको इस तरह का एक ऐप देखने को मिल जाता है, इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम। इस तरह की आपको एक फ़ोटो देखने को मिल जाती है, इसका लोगो, और यहाँ पे जो है ऐप वॉलेट टेक्नोलॉजी द्वारा ये ऐप डाला गया है, बनाया गया है। तो इस ऐप को हम कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसको करने के बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है स्टार्ट का, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद में ये आपसे परमिशन मांगता है, काहे की परमिशन, आपके स्टोरेज की, तो उसकी आपको परमिशन दे देना है। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि प्री डिफाइंड फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यही वो फ्रेम का ऑप्शन है दोस्तों जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इस पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में बोलेगा आपसे कि फ़ोटो कैमरे से ले लीजिए या फिर गैलरी से ले लीजिए। तो या तो आपके पास अगर कोई अच्छी सी एकदम दिन के उजाले में या अपनी चमचमाती लाइट में कोई फ़ोटो ले रखी है अपनी, कि गुलस्ता हो जाए आपकी फ़ोटो देख के पूरा जमाना, तो वो यहाँ पे गैलरी से उठा लीजिए। नहीं तो अगर वो फ़ोटो नहीं डली है तो आपको सिंपली अपना कैमरे वाली बटन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना कैमरा ओपन हो जाता है, और होने के बाद में यहाँ आपको फ्रंट कैमरा ओपन कर लीजिए और आपकी चमचमाती हुई फ़ोटो को देखते हुए इसको फ़ोटो की सेल्फ़ी ले लीजिए। और ये चमचमाती हुई फ़ोटो जो आपने सेल्फ़ी के रूप में ली है, इस पर आपको राइट टिक पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपसे कहेगा आप उसको क्रॉप कर लो, ये कर लो। आप इसको क्रॉप मत करिए, इसको बड़ा ही रखिए, क्योंकि क्या होता है कि आगे जाके मैं बताऊंगा, आजू बाजू से कटे ना। डन पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में ये आपका ऐप हो जाएगा टेढ़ा। इसके बाद में आपको आपकी जो फ़ोटो है उसको इधर से ढूंढना है। ये देखिए आपकी जो फ़ोटो है अब ये बहुत ही बड़ी सी देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब आप जब छोटा करेंगे तो आजू बाजू से कटने लगेगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि वहाँ पे आपको क्रॉप नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये आपकी फ़ोटो है और आजू बाजू में इंडिपेंडेंस डे का बहुत ही बढ़िया सा बैनर है। अब यहाँ पर बहुत सारे नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं अलग अलग बैनर पर, इस पर क्लिक करते जाइए और अपनी फ़ोटोज़ को वहाँ पर जो है सेट करते जाइए। इस तरह से छोटा करते जाइए, पहले दो फिंगर का यूज़ करके आपको जो है आपकी फ़ोटो को छोटा बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे भी ये जम रहा हो आपकी फ़ोटो से। हालांकि ये फ़ोटो मेरी बार बार बड़ी हो जा रही है, इसको मुझे फिंगर से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस नीचे सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो है उसको सेलेक्ट करके आपको जो है ये देखिए, वाह, अब यहाँ पे जब हम छोटी कर रहे हैं फ़ोटो तो हमारा आजू बाजू से ये जो है फ़ोटो फ्रेम छोटा पड़ जा रहा है। तो हम ऐसे ही फ़ोटो फ्रेम देखेंगे जहाँ पे हमारा फेस जो है छोटा सा हो, छेद वहाँ पे जहाँ पे हम अपनी फ़ोटो लगा सकें, पीछे से झांक सकें, और इस तरह से आपको जो है अपनी फ़ोटो वहाँ पर ऐड कर देनी है। करने के बाद में आपको जो है राइट टिक वाला ऊपर डन वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दी, या फिर इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन से आप अपनी फ़ोटो में भी इफ़ेक्ट वगैरह थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि जो आपका इमेज के इफ़ेक्ट के साथ मैच खाए। इसके बाद में फ़्लिप भी कर सकते हैं, फ़्लिप करने के बाद में आपको जो है नीचे फ्रेम का ऑप्शन है, फ्रेम के ऑप्शन से आपको अन्य फ्रेम नज़र आ जाते हैं। जब आपकी पूरी यहाँ पर मनोकामना, दिली इच्छा पूरी हो जाए तो राइट टिक पर डन पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो एडिटर फिर से सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये पूछेगा आपसे कि स्टिकर डालना चाहते हो कि टेक्स्ट डालना चाहते हो। अगर यहाँ पे कुछ आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको जो है एक पेंसिल सी बटन छोटी सी दिखेगी, उस पर क्लिक करिए। करने के बाद में आपको यहाँ पर अगर कुछ लिख देना है तो यहाँ पर लिख दीजिए इन, और यहाँ पे मैंने अपना जो है यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया है। करने के बाद में मैंने फ़ॉन्ट जो ऑप्शन दिया है, फ़ॉन्ट में उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि वो नज़र आए, और उसको मैं फिर बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि वो बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, हाँ हो तो रहा है। तो इस तरह से आप उसको बड़ा करिए। करने के बाद में आप जो है कलर वगैरह उसका चेंज कर दीजिए, है ना, कलर चेंज कर दीजिए। इसके बाद में टेक्स्ट साइज़ फॉर्मेट, पीछे आपको शेडो वाला ऑप्शन है,
शेडो वाले ऑप्शन में डार्क कलर करके आप बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, है ना, और करके आप नीचे डन पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप बाहर क्लिक कर दीजिए। अब जो है आपको दोस्तों आपका टेक्स्ट वहाँ पे लिख जाएगा दोस्तों, और अपने हिसाब से फॉन्ट ले लीजिए। अगर आपको समझने ना आ रहा हो कि आपका जो फॉन्ट है वो सही है या नहीं है तो चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से दोस्तों। करने के बाद में दोस्तों आपको सब कुछ करके यहाँ स्टिकर वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं, और उसको जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर छोटा बड़ा करके आपको जो है रख देना। इसके बाद में सेकेंड जो ऑप्शन है डिज़ाइन योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद से बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, तो डिज़ाइन योर सेल्फ पर क्लिक करिए। अब इसके बाद में यहाँ पे आप ऐड प्लेसमेंट है, ख़ुद की फ़ोटो डालिए, खुद का सब कुछ डालिए, एक बारी बारी से कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि आप प्री डिफाइंड फ्रेम यूज़ करिए या फिर प्रोफाइल फ्रेम यूज़ करिए। प्रोफाइल फ्रेम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो प्रोफाइल फ्रेम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे गैलरी पे जाना है, फिर से एक अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, गैलरी से उठा लेना है। उठाने के बाद में आपको जो है डन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी फ़ोटो आ चुकी है। आने के बाद में यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहते हैं कर लीजिए, और करके आप जो है उसको वहाँ लगा दीजिए। अब फ़ोटो में आपको इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट पे क्लिक करिए, और अपनी फ़ोटो पे आप जो है वहाँ से इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, जो आपको इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा हो उसको रहने दीजिए। और बस यहाँ पे आप फ्रेम ऐड करना चाहें तो फ्रेम चेक कर सकते हैं, दूसरे और भी यहाँ पे फ्रेम आपको दिए हुए हैं अलग अलग, जो भी फ्रेम आपको अच्छा लग रहा है उसको लगा दीजिए, है ना। और लगाने के बाद में जो है आपको बस करके राइट डन पे जो है क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करेंगे फिर से आपकी इमेज प्रोसेस हो जाएगी, और आपको फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, और फिर सेव पे क्लिक कर देना है तो फ़ोटो जाके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यही था दोस्तों हमारा इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम ऐप। आई होप आपको समझ आ गया वो कैसे इसको चलाना है, कैसे यूज़